नमस्कार, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम लोग क्लास टेंथ का झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट थर्ड जो कि साइंस से है लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग केवल क्वेश्चन को चर्चा करेंगे और आंसर को लिखेंगे ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है और उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्र, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्र होता है वोल्ट, ठीक है। अगर उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के टर्मिनल मतलब ऋण टर्मिनल धन टर्मिनल मतलब ऋण आवेश और धन आवेश के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता कौन करता है, तो बैटरी। पहला हमारा आंसर होगा विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है तथा बैटरी विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि एमिटर का उपयोग कौन सी भौतिक राशि में मापने में की जाती है, तो एमिटर का उपयोग विद्युत धारा की प्रवणता को मापने में की जाती है। अगर इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है, मतलब इसको विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमिटर का उपयोग विद्युत धारा की प्रबलता को मापने में किया जाता है तथा इसे तदेव भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, करें शोल्डर एक मिश्र धातु वाक्सिन किन धातुओं से मिलकर बनाता है। शोल्डर करने के लिए किसी चीज को शोल्डर किया जाता है तो उसमें कांसा और पित्तल का उपयोग किया जाता है, कांसा और पित्तल का मिश्र धातु होता है। शोल्डर एक मिश्र धातु है जो पित्तल तथा कांसा से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से यौगिक समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे, तो चार ऑप्शन हमारा है। एक में CH4, C2H4, C2S6 और C2H2। समजातीय श्रेणी उसको बोला जाता है जिसके आणविक सूत्र में CH2 का डिफरेंस रहना चाहिए, यानी CH2 का अंतर होता है। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें दो चीज हमारा निकलेगा, ये हमारा CH4 और C2H6। सी इसमें हमारा एक है, इसमें दो है, एक अधिक है। CH इसमें हमारा चार है, H है, इसमें H दो अधिक है, यानी कि CH2 मतलब ये दोनों हमारा आंसर होंगे। ये दोनों क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी C2 इसमें भी C2, इसमें C का डिफरेंस ही नहीं, जब C का डिफरेंस ही नहीं है तो आगे इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्त्रियों और पुरुषों पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं।
स्त्री यानी कि मादा यानी कि महिला, इसमें जो गुण सूत्र पाया जाता है एक्स एक्स और नर यानी कि पुरुष, इसमें पाया जाता है एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स कर पारितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दें। अजैव मतलब निजी घटक को उदाहरण देना है, जिसमें जान नहीं होता, जो सांस नहीं लेते हैं। यानी इसके आंसर होगा पारितंत्र के अजैव घटक कौन कौन होता, तापमान, वर्षा, नमी एवं आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर सेवन, करपोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत अगले स्तर पर पहुंचता है? यानी पोषी स्तर पर जो उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ होता है अगले स्तर पर कितना पहुंचता है? तो 10%। इसका आंसर होगा पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ 10% अगले स्तर तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नंबर, दो फोटो छापा हुआ है, एक है इसमें पी, एक है पतला, एक क्यू। कह रहा है इसमें, कह रहा है किसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसका क्षेत्रफल अधिक है, जिसकी मोटाई अधिक है, क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी पी का क्षेत्रफल, सॉरी, पी का क्षेत्रफल अधिक रहने के कारण इसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक लिखा है, जब एक चुंबकीय सुई किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो विक्षेपित क्यों हो जाती है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक 3 होता है, ठीक है? तो आंसर हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, एक होता है एम्पियर पर मीटर, दूसरा होता है टेस्ला, तीसरा होता है वेबर, वेबर 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 वेबर। अब कह रहा है कि जब एक चुंबकीय सुई किसी धारावाही चुंबक के पास लाया जाता है तो विक्षेपित क्यों होती है? इसे भी लिखा है, जब एक चुंबकीय सुई धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित होती है, क्योंकि दिक् सूचक की सुई उत्तर दक्षिण
दिशा में समान तथा विपरीत दिशा की ओर कार्य करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ये नंबर कह रहे कि प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सभी धातु में तैन मतलब जिसको टाना जा सकता है, खींचा सकता है, अगातवर जिसको पीटा जा सकता है और चमकदार होते हैं तथा ये क्या है, हवा और नमी के संपर्क में आने पर भी अभिक्रिया नहीं करते। आंसर होगा प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये धातुएं तैन अधातुवर्ध तथा चमकीले होते हैं एवं हवा एवं नमी पर भी इनका कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का भी कह रहा सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताए। सबसे अधिक कठोर पदार्थ का नाम हमारा होता है हीरा, जिसके कारण हीरा का उपयोग चापाकल के बोरिंग वगैरह करने में किया जाता है ताकि हीरा पत्थर को आसानी से काट सके। यानी कि इसका बी का आंसर होगा सबसे अधिक कठोर पदार्थ का नाम हीरा है। यदि यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी, सहायता करने में यदि सक्षम होगी तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।